सैयद मुंतकी मेमोरियल कॉलेज अवंतीपुरा कश्मीर ने एड्स के आलमी दिन के मौके पर एक बेदारी प्रोग्राम मुनक्किद किया। इस मौके पर मुकर्ररीन ने एड्स के मुख्तलिफ पहलुओं पर तबादला ख्याल किया और शुरका को इसके फैलाव को कंट्रोल करने के बारे में आगाही फराहम की। प्रोग्राम में तलबा और अमले की कसीर तादाद ने शिरकत की। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मुंतकी कॉलेज की प्रिंसिपल प्रोफेसर असमत परवीन ने कहा कि इस प्रोग्राम के दौरान उन्होंने शुरका को आगाह किया कि यह बीमारी कैसे फैलती है और उसके फैलाव को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। बच्चों को अवेयर किया है कि किन वजूहतों से ये एड्स फैल रहा है। एड्स एक्चुअली इज ए एक्यूट इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, एक ग्रुप ऑफ डिजीज है जो कि कॉज होता है एचआईवी, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, जो कि ये वायरस T4 हेल्पर सेल्स एंड CD4 सेल्स को ख़त्म करता है, जो कि डिफेंस मैकेनिज्म एक इंसान में होता है वो ख़त्म हो जाता है इस वाले वायरस से। जैसे कोविड है, कोविड ने रेस्पिरेटरी सिस्टम को ख़त्म किया है, ख़त्म करता है, तो इसी तरह जो HIV एड्स है, ये वायरस भी एक इंसान के कुव्वत को ही ख़त्म करते हैं, जिसकी वजह से इंसान सारे डिजीज़ के शिकार हो जाता है। हमारे कंट्री में भी एंड बहुत मतलब इसके रिपोर्ट्स आए हैं कि बहुत टाइम से कि एड्स फैला हुआ है, एंड जम्मू कश्मीर में भी इसके रिपोर्ट्स आए हैं, जो कि इस वक्त एड्स कंट्रोल सोसाइटी के जो जम्मू कश्मीर के हैं वहाँ पे रजिस्टर्ड है ओनली 6,000 एंड 3,000 जिसमें एंटीवायरल ट्रीटमेंट ले रहे हैं, रिट्रोवायरल ट्रीटमेंट ले रहे हैं, लेकिन दिस इज द ओनली वी कैन से आइसबर्ग ऑफ द टिप ऑफ द आइसबर्ग, राइट? एंड ये ऊपर वाला ता हमें दिखता है, नीचे ये